सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। मैं आपके बीच आज प्रश्नावली 17 के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूं और हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे ही प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकें, यानी पुस्तकालय से हमने बच्चों को क्या बांटी, पुस्तकें बांटी और पुस्तकें पहले दिन 300 बांटी, दूसरे दिन 405 बांटी, तीसरे दिन 455 बांटी, ऐसे हमने 10 दिन के डाटा यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसने कहा कि प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य की हम बात कर चुके हैं, हमने यहाँ पर सूत्र आपको बताया था, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मैंने आपके द्वारा बताया गया था यह सूत्र और आपने बहुत अच्छे से उस सूत्र को याद भी किया था। तो यह लिखेंगे हल, और हल लिखकर हम शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं कि समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब आप कहोगे सर ये आंकड़े किसके हैं, ये आंकड़ों का योग है, प्रतिदिन हमने जो पुस्तकें दी वो पुस्तकों के जो डाटा है सबका क्या करना है, जोड़ करना है, और आंकड़ों की संख्या, संख्या यानी कितने दिन तक हमने ये कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया। लिखता हूँ मैं आंकड़ों का योग, 300 + 405 + 455 + 489 + 375 + 280 + 418 + 502 + 300 + 476 बटा, अब ये टोटल कितने हैं उसी ने दे रखा है, 10 दिन के हैं। आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इन सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हम एक एक नंबर को जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे हम जोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं, 6, 2, 8, 16, 16 और 5, 21, 21 + 9, 30, 30 + 5, 35, 35 + 5, 40, 40 का 0 हासिल के कितने हो गए, 4 हो गए, 4 और 3, 4 और 7, 11, 11, 11 + 12, 12 + 8, 20, 20 + 7, 27, 27 + 8, 35, 35 + 5, 40, ये 40 हो गया, 0 हासिल के 4 रह गए। फिर अपन जोड़ेंगे 4 और 3, 7, 7 और 5, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और आपके हासिल का और था, तो ऐसे करके कितने हो गए, 40 हो गए, ये हो गए 4000 बटा 10। आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद में आपने प्राप्त किया कि सर यहाँ पर कितने नंबर, इस आंकड़ों का जो योग आया वो कितना आया, 4000 आया। 4000 में टोटल आंकड़ों की संख्या आपके पास कितनी है, 10 है। जब इसमें हम डिवाइड यानी भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 400। समांतर माध्य कितना हो गया, 400 हो गया। आप आसानी से कह पाओगे कि सर जो हमने जो पुस्तकें जो बच्चों को इशू की उसका जो औसत आता है वो औसत कितना आता है, 400 पुस्तकें पर डे का औसत आता है। औसत का अर्थ हो गया कि भाई हमने 10 दिन पुस्तकें बांटी, किसी दिन ज़्यादा बांट दी, किसी दिन कम बांट दी, लेकिन जो एक औसत है वो औसत कितना प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों, 400 प्राप्त होता है। और मैंने आपको सूत्र बता रखा, वो सूत्र पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली, इकलौता सूत्र इस प्रश्नावली के लिए, इस अभ्यास के लिए, सॉरी, तो इस अभ्यास के लिए इस सूत्र को आप बिल्कुल मेरा मानना, 2-3 सवाल जब करोगे इसका प्रयोग करोगे तो आपको आसानी से ये सूत्र याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक कक्षा के वर्ग ए और बी, यानी एक कक्षा है जिसके दो वर्ग है। हम देखते हैं हमारे कक्षा, हमारे विद्यालय में बहुत सारे वर्ग बने होते हैं एक ही कक्षा के, जैसे सेक्शन ए बी सी डी ऐसे सेक्शन बटे होते हैं। तो जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उस विद्यालय की कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत बार दे रखा है 51, यानी औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है छात्रों की। तो आपको क्या पूछ रहा है वो, जबकि
वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना किलो हो? 54 किलो है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। यानी कुल मिला के बात ये दोनों कक्षाओं का अलग अलग डाटा उसने दे रखा है और अलग अलग डाटाओं से हमको टोटल दोनों कक्षाओं का औसत भार हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्ग ए की बात कर रहा हूँ। वर्ग ए में आपको दे रखा है, वर्ग ए के अंदर क्या दे रखा है, 25 छात्रों का औसत भार। 25 छात्रों का औसत भार दे रखा कितना है, 51 किलो है। अब कुल भार निकालते हैं तो क्या हो गया, 51 × 25 बराबर 1275। अब ये 51 × 25 कैसे लिखा, मैंने आपको लिखा था औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है ना। अब ये औसत राशियों की संख्या इसके पास चलेगी तो औसत इंटू राशियों की संख्या। अब आप देखिए यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ मैं, राशियों का योग यानी कुल भार निकाल रहा हूँ। तो औसत, ये औसत कितना था, औसत भार दे रखा 51 और राशियों की संख्या कितनी थी, 25 से 25 कर दिया मैंने, तो 1275। इस तरीके से उसी फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह वर्ग बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वर्ग बी में 35 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा, 54। तो 35 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 54 × 35। 54 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1890, और ये क्या आ गया, केजी, 1890 केजी आ गया। अब आगे चलते हैं, उसने क्या पूछा है, इस कक्षा के 60 छात्रों के औसत भार की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो दोनों कक्षाओं को कंबाइंड करना है। तो दोनों कक्षाओं को जब हम कंबाइंड करेंगे तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो कुल भार है वो दोनों भार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और बच्चों की संख्या कितनी है, 60 है, छात्रों की संख्या अपॉन में कितना आ जाएगा, 60। वही अपने पास फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग यानी वर्ग ए और वर्ग बी के विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, कुल भार। और आंकड़ों की संख्या का मतलब दोनों सेक्शनों में कुल कितने विद्यार्थी है। तो दोनों सेक्शनों में आपके पास कुल कितने विद्यार्थी है, 60 है। तो वर्ग ए प्लस वर्ग बी के छात्रों का कुल भार आपके पास आ गया 1275, तो ए का है, और 1890 किसका, बी का है। दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने पर कितना आया, 3165, और भाग किसका लगना है, 60 का। और 3165 में जब 60 का भाग लगाया तो कितना आया, 52.75 केजी। यही ये जो इस कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है। कितनी संख्या है हमारे पास, 5 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी गई है, अब क्या किया हमने, पहले 5 थी, अब एक को क्या कर दिया, हटा दिया, तो कितनी रह गई, 4 रह गई। हटा दी गई तो उसका औसत कितना हो गया, 16। यानी 5 संख्याओं का औसत तो दे रखा है उसने कितना, 18, और 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिला के बात ये कर रहा है ये कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 18 और 4 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 16। हटाई गई संख्या ज्ञात करो, पहले तो 5 संख्याओं का जो आपको योग ज्ञात कर लो, और योग ज्ञात करने का आपके पास अभी भी मैंने बताया था इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 को किससे गुणा कर देंगे, 18 से। इसी तरह 4 संख्याएं उसका औसत कितना, 16, तो 4 को किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर 16 से गुणा कर देंगे। अब एक संख्या निकली है, और निकली है जिस संख्या को हमको ज्ञात करना है, तो जो आपने पहले वाली संख्या का जो कुल निकाला था और 4 वाली संख्या का जो कुल है उसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। तो जो संख्या निकली है, माना कि वह संख्या क्या है, x, माना वह संख्या x है जो हमको निकालनी है। लो भाई x मान ली। अब आगे चलते हैं, x मानते ही हम कह देंगे सर कि 5 संख्याओं का योगफल निकाले। सबसे पहले 5 संख्याओं का योगफल बराबर, अब वो योगफल का आ गया, ये मैंने आपको एक सूत्र जो बता रखा है, वो सूत्र था ना, यहाँ पर मैंने सूत्र आपको बता रखा है कि कौन सा सूत्र, वही औसत ज्ञात करने का या समांतर माध्य ज्ञात करने का, वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग ज्ञात कर रहे हो आप, यहाँ पर किसका कर रहे हो, 5 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर रहे हो। वापस समझ लो इसको, लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। यानी औसत बराबर क्या होता है,
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है। अब राशियों का योग को औसत से गुणा करेंगे तो औसत इनटू राशियों का राशियों की संख्या। अब आप देखना, राशियों का योग ज्ञात कर रहा हूँ मैं, पांच राशियों का योगफल, पांच राशियों का योगफल ज्ञात करेंगे तो औसत को किससे गुणा करेंगे, राशियों की संख्या से। औसत कितना है यहाँ पर 18, राशियों की संख्या कितनी है 5, 18 पंजे 90। तो आप कह दोगे सर जो पांच संख्याओं का योग कितना आया, 90 आया। अब कितनी संख्याओं का निकालेंगे, एक से हटा दी अपन ने, एक से संख्या हटाने पर, एक से संख्या हटाने पर योगफल, आपने एक से संख्या हटाई है, एक का मतलब एक संख्या हटाई है, तो योगफल कितना आ जाएगा, 16 इंटू संख्या कितनी है आपके पास, 4। तो आप जब 16 को 4 से गुणा करोगे तो 16 चौकू कितना आता है, 64 आता है। अब आपने दोनों का योगफल ज्ञात कर लिया, पांच संख्याओं का भी योगफल 90 और एक से संख्या हटा दी, इसका मतलब एक संख्या हटाई है अपन ने और कुल कितनी संख्या बची है, 4 बची है। तो औसत को संख्या से गुणा किया, 16 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 64 आया। अब क्या है, एक से संख्या का मान ज्ञात करना है, तो संख्या एक बराबर पाँच का जो योगफल था और चार के योगफल को क्या कर दो, घटा दो, 90 में से कितना घटाना है आपको, 64। और 90 में से 64 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 26। तो ये एक जो एक संख्या निकली है बाहर वो किस नंबर की निकली है, 26 नंबर वाली, यानी 26 था उसका क्या था, 26 उसका भार था। जैसे पांच बच्चे थे, पांच बच्चों को भार की बात कर लें तो जो बच्चा बाहर निकला उसका वजन कितना था, 26 केजी था। यहाँ पर वजन की बात नहीं की, पांच संख्याओं का औसत दे रखा 18, उसने कोई मात्रक नहीं दे रखा, तो हमने पांचों संख्याओं का कुल निकाला या योगफल निकाला, 18 को 5 से गुणा किया, 90। एक बच्चा बाहर निकल गया तो 4 ही तो बचे, अब 4 का निकालेंगे, वो 16 इंटू 4, 16 चौकू 64। फिर इसके बाद में वह संख्या कौन सी है, वह संख्या निकालनी है, तो पांच संख्याओं का योगफल में से एक से संख्या हटाने पर जो योगफल आता है 64, उसको आप क्या कर दो, घटा दो, घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 90 में से 64 घटाए, वो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6, और 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2, यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 13 संख्याओं का माध्य दे रखा 24, यानी हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 13, उसका माध्य कितना है, 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3, प्रत्येक का मतलब 13 नंबर है आपके पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 3 जोड़ने का, तो पहले नंबर में भी 3 जोड़ेंगे, दूसरे में भी 3 जोड़ेंगे, यानी कुल मिला के कितना जोड़ेंगे, 13 3 39 जोड़ना है अपन को। तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, भाई 3 जोड़ेंगे तो माध्य भी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा उसके बारे में अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। माना कि 13 संख्या, पता नहीं कौन कौन है, हमने मान लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 डॉट डॉट कहाँ तक है, 13 तक। तो हमने मान लिया कि माना वे संख्या x1 x2 डॉट 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 x13 है, ये पहली लाइन मैंने बात की। अब कितनी संख्याएं हैं, 13 संख्याएं हैं जिनका माध्य कितना है, 24। अब आपके पास वही सूत्र माध्य का, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य आपको कितना दे रखा, 24 है, 24 लिख दिया मैंने, और आंकड़ों का योग, आंकड़े कितने हैं, ये 13 संख्याएं, 13 संख्याओं का जोड़ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6 x7 कहाँ तक जोड़ दिया मैंने, 13 तक, बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की कितनी संख्या है, 13 संख्या है, ये 13 लिख दिया मैंने। अब देखो ये 13 चले गया ब्रज गुणन में 24 के पास, एक ब्रज गुणन में 13 संख्याओं से गुणा हो जाएगा, तो एक को संख्याओं से गुणा किया तो एक से गुणा करेंगे तो एजीटीजी संख्या आ जाएगी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x13 बराबर 24 इंटू 13। 24 को 13 से गुणा करेंगे, 13 चौकू 52 का 2 हासिल के 5, 13 दूना 26 और 5 31, ये 312 आ गए, ये 312 आ गए आपके पास। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया आपने, 3 जोड़ा है, तो सब में जोड़ दो, x1 में भी 3, x2 में भी 3, x3 में भी 3, x4 में भी 3, और जो डॉट 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 x13 में भी कितना जोड़ना है अपन को, 3 जोड़ना है,
तो ये लो, वन में भी तीन जोड़ा, टू में भी तीन जोड़ा, डॉट 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 एक्स 13 में भी तीन जोड़ दिया मैंने। यानी प्रत्येक नंबर में कितना जोड़ना है अपन को, तीन जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, नई संख्या होगी, आपको नई संख्या पहचान में आ गई क्योंकि तीन तीन जोड़े हैं अपने सभी संख्याओं में। तो अब इसका देखो माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपने नंबर जोड़ दिया तो माध्य भी बदलेगा। तो वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग यानी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो एक्स वन प्लस तीन, एक्स वन प्लस तीन क्यों रखा मैंने वो प्यारे विद्यार्थी, इसलिए लिखा क्योंकि सभी नंबरों में कितने कितने जोड़ रहे हैं अपन, तीन तीन जोड़ रहे हैं इसलिए। तो एक्स प्लस तीन, फिर एक्स प्लस तीन, वो एक्स टू प्लस तीन, डॉट डॉट एक्स 13 प्लस तीन, सब में जोड़े। और नंबर कितने हैं, 13 है। समांतर माध्य आपको निकालना है। अब इसको देखो, इस कोष्ठकों को मैंने एक्स सभी प्लस में, इसलिए कोई ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इन सबको एक ब्रैकेट में लिखा। ये तीन कितनी बार है, 13 बार है, तो 3 इंटू 13 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर इसका मान एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स 13, आपने एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स 13 इसका मान आपने निकाल रखा 312। मैंने यहाँ पर कितना रख दिया, 312। 13 3 39, 312 में 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 351। और 351 में जब 13 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 27। तो आप कहोगे सर पहले तो औसत भार कितना था, औसत माध्य कितना था, संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य जो था वो कितना था, 24 था। अब जो संख्याओं का जो नया माध्य आया है वो कितना आया, 27 आया। इसका मतलब 3 बढ़ गया, तो नया माध्य कितना प्राप्त हो गया आपके पास, 27 प्राप्त हो गया। यही 27 के आ गया इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी सवाल है, आप इसको बढ़िया तरीके से करें, बार बार करें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा जमा के रखने का हेरफेर है। शुद्ध आप शुद्ध अगर जिससे हम कहें कि बिल्कुल सिंपली तरीके से बात करें, 13 नंबर थे पहले, उसका औसत दे रखा था, तो 13 का कुल निकाल लो आप, दे रखा ना इसमें 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 13 संख्याओं को जोड़ ज्ञात कर लो, वो 13 को 24 से गुणा कर लो। आप क्या कर दिया, प्रत्येक नंबर में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया 13 में। तो ये तो है ही, जो टोटल आएगा वो तो आपने टोटल 312 निकाला जो तो है ही, और कितना और जुड़ गया, प्रत्येक नंबर में आपने 3 3 जोड़ रखा, तो 13 3 39 और, तो 312 में 39 और जोड़ दो, तो 312 में 39 जोड़ोगे तो 351। नंबर तो वही है ना 23, तो 351 में वो सॉरी 23 नहीं 13, फिर 351 में किसका भाग लगाना है, 13 का भाग लगा दो, आपका 27 आ जाएगा। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, क्योंकि आपने प्रत्येक नंबर में 3 बढ़ाया है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दे रखा 3000 रुपये। कितने कर्मचारी हैं, 5, उसका औसत दे रखा है, यानी औसत मासिक वेतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 3000। तो आपको पता है कुल निकालेंगे, कुल वेतन कितना होगा 5ों का, तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 3000 से, तो 5 3 15000 हो गए। फिर आगे क्या कहा, एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो कितने रह गए, 4 रह गए, और उनका औसत मासिक वेतन कितना है, 3200। अब 3200 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 12800 के लगभग इसका मान आएगा, 12800। अब पहले कितना था आपके पास, 15000, अब कितना है, 12800, 15000 में 12800 घटा देंगे, तो घटाने के बाद में आपके पास आएगा 2200। तो जो कर्मचारी जो गया है रिटायरमेंट हो गए, उसकी सैलरी कितनी होगी, 2200 रुपये। बस इतना सा था ये सवाल। अब देखिए सवाल को करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 कर्मचारियों का कुल वेतन यहाँ निकालेंगे अपन, कितने कर्मचारियों का कुल वेतन निकालेंगे, 5 कर्मचारियों का, क्या लिखा, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, वही गुणा होगा, 1 का 3000 है, तो 5 का कुल कितना हो गया, 15000 रुपये आपके पास आ गए, 15000 रुपये। ये र को आगे लगाना है, मैंने आपको र के बारे में पहले बता चुका। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाला है हमने, अब क्या हुआ कि एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया, तो कितने कर्मचारी बचे आपके पास, 4 कर्मचारी बचे, तो अब 4 कर्मचारियों का कुल वेतन निकालेंगे, 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, क्योंकि एक तो बाहर निकल ही गया, रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो देखो इसमें दे रखा है एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाता, 3200।
लो भाई ये 3200 को गुणा करेंगे 4 से, रुपए में आएगा कितना आएगा 0 0, 4 2 8 और 4 3 12, 12800 रुपये। पहले 5 थे जब कितना था 15000 रुपये, और 4 है जब कितने हैं, आप कहोगे सर 12800 है। अब जो वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था उसका वेतन, तो आप लिखोगे यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन बराबर वो 15000 में से 12800 आपको घटाना है। 15000 में से 12800 जब आप घटाओगे तो आएगा 2200 रुपये। तो आप कहोगे कि सर आपने जो अभी अभी बताया है कि जो वो कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसकी तनख्वाह कितनी थी 2200 रुपये। कुल मिला के बात ये, 5 कर्मचारी थे पहले और औसत था कितना 3000, तो 5 का कितना हो गया 15000। अब एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया यानी सेवानिवृत्त हो गया तो 4 बच गए, उसकी औसत कितनी दे रखी है 3200, तो 4 को 3200 से गुणा किया, ये 4 2 8 4 3 12 12800। अब क्या हुआ, जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ उसका आपको कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन निकालना है, तो वही 15000 में से कितना घटा दो 12800, तो आपके पास आ जाएगा 2200 रुपये किसके प्राप्त हुए, ये सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय उसका जो मासिक वेतन। इस तरीके से बहुत छोटे बहुत इजी प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आप जब तक इन छोटे छोटे प्रश्नों को बढ़िया तरीके से अगर आप तैयार करते रहोगे, जैसे इसमें आपको जोड़ का गुणा का आप औसत का ये प्रैक्टिस करवाई गई है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ तो एक ही सवाल है, आपने जोड़ा और भाग लगाया, जब आप सारणियों पर हम बढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर एक साथ हमको 10-10 गुणा करने पड़ेंगे, 10-10 जोड़ करने पड़ेंगे, तो उसके अभ्यास के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्नावली है। आपने आप निरंतर पढ़ रहे होंगे मेरा ऐसा मानना है, और आप पढ़ते रहें, और कोई भी जो समस्या हो वो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर आप वहाँ पर लिख दें कि सर यहाँ पर इस प्रश्न में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आपको प्रश्न बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो मेरे अगले वीडियोस जो आएंगे, जैसे जो भी मैंने प्रश्नावली पढ़ाई है उन प्रश्नावलियों की विविध प्रश्नावलियों के हल भी मुझे लाने हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम वहाँ पर बात करेंगे। तो आप की जो 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 भी समस्या है वो समस्या आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दें, जिससे कि हमारा जो ये छुट्टियों का जो समय है इसका हम 100% सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।